पार्श्व नेत्री घर पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आप बीती सुनाई तो अफसर भी हैरान रह गए। बरेली की रहने वाली एक महिला ने दुलेड़ा निवासी दो युवकों पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेसुध कर सामूहिक दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया। ने मल्लपुरम पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी मीनाक्षी चौहान हिंदू युवा वाहिनी गौरचक की संरक्षक है। उसे भाजपा नेत्री ने भी बताया जा रहा है। बरेली जिले के थाना कैंट चेतना निवासी एक महिला बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित महिला ने आप बीती सुनाई तो पुलिस अधिकारी सकते में रह गई। महिला ने बताया कि 16 जुलाई को वह मेरठ आई थी। आरोप है कि यहां महिला मित्र के पुत्र ने एक युवक के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ दिया और रात में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि महिला मित्र ने धोखाधड़ी से 20,000 रुपए भी ऐठे हैं। महिला ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पल्लवपुरम पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सर, मैं मीनाक्षी चौहान से मेरी जान पहचान थी फेसबुक के माध्यम से, तो इन्होंने मुझे बुलाया था नौकरी के लिए और हिंदू संगठन में जोड़ने के लिए, क्योंकि मेरी उसमें ज़्यादा रुचि रहती है। कब बुलाया था आपको? सर, मेरे को 20 दिन इन्होंने घर पे मैं थी। तो क्या घटना? सर, इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाया था और खिलाने के बाद में मेरे को हल्का हल्का सा होश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने मेरे साथ में एक गंदा काम किया था। अजय चौहान ने उर्फ ईलू और अनिकेत चौहान ने तमंचा दिखा के बोले, अगर तू किसी से कह देगी तो समझ लेना हम तेरे को बदनाम कर देंगे और ये वीडियो सब वायरल कर देंगे। जी, इन्होंने वीडियो भी बनाई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टा परेशान किया, आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए बोल दिया। उसकी एविडेंस मेरे पास में ऑडियो भी है उसकी। और इनका कोई संगठन नहीं है, ये कोई हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ी भी नहीं है, ये केवल फर्जी बोलती हैं और लोगों से पैसे ऐंठती हैं। इन्होंने एक फर्जी मुकदमा किया है कपिल मलिक के ऊपर और शैलेंद्र मलिक के ऊपर, मोदी नगर थाने में लिखवाया है। इनका यही काम है। एक लड़की है वंदना, उससे भी इनने 20,000 रुपये लिए हैं मुकदमा लिखवाने के, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ में गलत हुआ है तो उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात को आपने परिजनों से बताया? जी सर, मैंने बताया, फिर उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी, बोले कोई बात नहीं है, समझा के काम करो अपना और FIR करो, हम सब देख लेंगे। सर, रहने वाली मैं बरेली की हूँ। सर, मैं फेसबुक के माध्यम से, मेरी मीनाक्षी चौहान से जान पहचान थी, फिर इन्होंने मुझे बुलाया था अपने यहाँ पर, नौकरी दिलवा देंगे और हम तुम्हें तो हिंदू संगठनों में जोड़ देंगे, तुम बहुत ज्यादा वो हो जाओगी, कामयाब हो जाओगी। जी सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सर, एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला आया है और बताया जा रहा है कि भाजपा नेत्री हिंदू कार्यकर्ता के घर पर हुआ, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना पल्लवपुरम पर एक तहरीर प्राप्त हुई है और जिसमें आरोप लगाया गया है जिस प्रकार से आपने बताया, तहरीरी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया हुआ है। थानाध्यक्ष इसकी विवेचना कर रहे हैं, सत्यता और साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोप क्या था उस महिला का, कोई ठगी भी थी क्या? नहीं, मैंने आपको बताया, ये उन्होंने बताया कि पहले से हमारा परिचय था और हम यहाँ पर आते थे और फिर उसमें कुछ नशीला पदार्थ पिला करके जो है गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाया। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें साक्ष्य संकलन, इसका प्रोसीजर है पूरा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा, सत्यता और साक्ष्य के आधार पर ही इसमें आगे विवेचना के क्रम में कार्रवाई की जाएगी।